इस वीडियो को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे प्लीज पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के इस चैनल पर, जहाँ पर हम बनाते हैं सॉन्ग्स, ट्रेलर्स और फनी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियोस। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं आज हम कौन सा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज हम दो वीडियोस देखने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो है वो है रफ्तार का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने एमिवे के बारे में दिया था, जो एमिवे के बारे में रफ्तार के द्वारा कहा गया था। और दूसरा जो है वो है एमिवे का गाना, जो कि रफ्तार के बारे में एक डिस सॉन्ग जो है एमिवे ने बनाया था, और ये एमिवे का पहला गाना है समझ में आया क्या। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस गाने को और इस इंटरव्यू को, और जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या ऐसी खास बहस हुई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं रफ्तार का ये इंटरव्यू। और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से। तो इंटरव्यू मैं बेसिकली देख चुका हूँ रफ्तार का, जो एमिवे के बारे में है। तो बेसिकली ये प्रॉपर एमिवे के बारे में नहीं है, वो सभी रैप आर्टिस्ट को इसमें गिना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा कह रहे हैं कि रैप आर्टिस्ट जो है नहीं कमा पा रहे हैं या उनके क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में तक ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं डिवाइन हार्डवर्क कर रहा है तो उसकी पिक्चर आ रही है, वो चीज़ गलत है। हार्डवर्क सभी करते हैं और सभी जो है मेहनत करते हैं, बस बशर्ते कि हर किसी को जो है उसकी मेहनत का फल जो है वो या तो टाइम पर मिलता है या तो टाइम से लेट मिलता है, लेकिन मिलता तो ज़रूर है। लेकिन उनकी दिक्कतों के, रैपर्स की दिक्कतों के बारे में बात करना और उनके जो क्या कहते हैं कहना कि हार्डवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा गलत साउंड करता है। बाकी दिक्कतें बतानी चाहिए और जो है उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट एमिवे का गाना समझ में आया क्या, जो कि एक डिस सॉन्ग है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। तो इंटरव्यू की लाइन चल रही है, जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं उसमें, उसने बोला एमिवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है, तूने लगाया क्या, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या, हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या, एमिवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। सो डिफरेंट स्टाइल है इसका, 101% ऑन द बिगेस्ट मानने के। विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमिवे पैसा कमाया क्या, 101% तू खुद को बड़ा बोले। मजा आ गया क्या, लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या, बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही, बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या, साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को क्या बोलने का बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? एमसी स्टैन। एमसी स्टैन सुन, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मूत पी, बस नाके पे रेल फाटे पे, और एमसी स्टैन तू मेरे छाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में आया क्या, आया क्या, एलियन के शक्ल के अल्लाह जानो। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे,
22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं धावा नहीं करता, तो फायदा उठा रही ली पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले, समझ में आया क्या? बीट्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग है इसकी, और खास बात तो ये है कि सब कुछ बना लिया, चार पांच साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे, इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर, मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैट ला, बॉल डाल। तो इन्होंने ही कह दिया कि ये गाना नहीं है, तो इन्होंने कह दिया कि ये गाना नहीं है, ये डिस गाना नहीं है। अच्छा, जिस जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, तो अभी मैंने कहा कि खाली मैं सच्चाई अपनी बात ही कह रहा हूं, ये डिस गाना है, सच्चाई बोले ले अपन। वो दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे, है तो बताओ करके दिखाओ। मालूम है ना। तो दोस्तों ये वीडियो मैं देख चुका हूँ, और वीडियो जो है बहुत बेहतरीन है, एमिले का गाना भी बहुत बेहतरीन है, रफ्तार की कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बहुत बुरी हैं। क्या रैपर्स फील कर रहे हैं और क्या रैपर्स को फेस करना पड़ता है, जो अंडरग्राउंड रैपर्स हैं या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करना ठीक है, लेकिन जो है उनका हार्ड वर्क या नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में कहना गलत है। अगर आप किसी की चिंता करते हो तो इतना तो कह ही सकते हो कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। एमवीबी को पता नहीं कौन सी बूटी खाली है जिससे उन्हें इतनी सी बात हर्ट कर गई है, और बहुत सारा जो है उन्होंने इसके ऊपर कंटेंट निकाल दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमें जो है एक बेहतरीन गाना सुनने मिला है। और इनके बारे में जो ये रैपर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं अंडरग्राउंड, उनके बारे में भी पता चला है, और बहुत बेहतरीन इस गाने की जो है कह सकते हैं साउंड है, बहुत बेहतरीन इसमें बेस है, और कुछ डिफरेंट स्टाइल का इन्होंने जो है रैप इसके अंदर किया है, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जुड़े रहिए इस चैनल से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।